तो बोलो तो आप ही नहीं रखता तो कुछ चीजों को ह्यूमन नेचर को पहचानते हो इसलिए बोला गया था ऐसा बोलेंगे तो आप ही मानेगा आप नहीं बोलेंगे तो आप ही नहीं मानेगा तो नॉट डायरेक्शन में आप बेडरूम बना सकते हो बट नॉट फॉर मैरिड कपल अनमैरिड के लिए आप बना सकते हो। अब नॉर्थ में लाल रंग जिसके घर में अशांति है टेंशन रहती है जिसके घर में पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है जिसके घर में पैसा वेस्ट जा रहा है बह रहा है मतलब फालतू में जा रहा है ठीक है या जिसको लगता है कि मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो पा रही मैं आज 20 साल बाद भी वहीं खड़ा हूँ और 20 साल पहले जाता हूँ और 20 साल बाद भी वहीं खड़ा हूँ तो यानी कि वो उसके घर का नॉर्थ उस बिल्डिंग का नॉर्थ अगर आप चेक करोगे वहां पे अगर रेड कलर होगा तो ये सारी चीजें होती या नॉर्थ में स्टेयर केस बना दिए ओवर हेड वाटर टैंक बना दिए तब भी ये सारी चीजें तो नॉर्थ में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के लिए अच्छा कलर कौन सा है ग्रीन। नॉर्थ में अगर आप ग्रीन कलर रखते हो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। अब हमें क्या करना है टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लानी है आपको एक मैं बहुत सिंपल सा टिप बता रहा हूँ आप क्या करिए अपने घर का जो भी या बिल्डिंग का ऑफिस का जो भी नॉर्थ है आप अब वहाँ पे एक ब्लू कलर की बॉटल में पानी रख आप ऐसा भी कर सकते हो ब्लू कलर की बकेट में भी पानी रख सकते हो ब्लू कलर का कोई कंटेनर हो तो पानी रख सकते हो और बहुत अच्छा रहेगा अगर उस पानी को आप डेली डिस्पोज कर दो ठीक है आप उसको डेली डिस्पोज करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टोर्ड वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम 2-3 डेज आप इसको डिस्पोज कर सकते हो। दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू एंड इज एक्चुअली वर्किंग थिंग ये आपको फायदा देगा। नॉर्थ में अगर आप पानी रखते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी पैसा बढ़ेगा आपका ठीक है। आइदर यू कैन डू अनदर थिंग यू कैन कीप अ मनी प्लांट इन ब्लू बॉटल ओवर देयर इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ब्लू बॉटल मनी प्लांट भी रख सकते हो। लेकिन बस ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि मनी प्लांट का जो पानी है वो ऐसा ना हो कि पता लगा वो महीनों महीनों तक आप बदल ही नहीं रहे। स्टोर्ड वाटर हमेशा खराब नुकसान देगा लेकिन अगर आप ये करते हो तो नॉर्थ में ये करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट होगा ठीक है। देन नेक्स्ट डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण। ईशान्य कोण सबसे ज्यादा वास्तु में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की दिशा मानी जाती है वो यही मानी जाती है क्योंकि इस डायरेक्शन का कनेक्शन बहुत सारी चीजों से होता है मायने इसलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। यहाँ की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है ईशान्य कोण। दूसरा क्या है दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू मेक टेम्पल मेडिटेशन रूम प्रेयर रूम और सेमेट्री। आप अपनी हिसाब से अपनी पूजा का अपनी प्रेयर का जो भी प्लेस है वो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हो तो अच्छा रहता है। इसे बनाने से क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी टू द यूनिवर्स टू द गॉड बिकम्स मच मोर ईजियर अच्छी होती है वो कनेक्टिविटी आपकी आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हो आपका मेडिटेशन में मन लगता है यू फील लाइटर ओवर हियर आप अपने आप को लाइट फील करना चाहते हो। थर्ड थिंग पोर्च अगर इधर होता है इट इज वेरी गुड। बेल्कनी वेरेंडा इट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये जितना खुला होगा उतना आपको फायदा देगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट ईशान को जितना ओपन होगा उतना ही बेनिफिट आपको देगा। इसको जितना मैक्स टू मैक्स आप ओपन रखिए लॉन छोड़िए कुछ भी छोड़िए लेकिन खा लेते अगर आपकी बेल्कनी है सपोज योर बेल्कनी कम्स इन द नॉर्थ ईस्ट कोशिश करिएगा वहाँ पे ज्यादा पॉट्स मत रखिएगा ठीक है वहाँ स्टोरेज मत करिएगा वहाँ एक दो आप पॉट हल्का सा रख लीजिए छोटा छोटा भारी पॉट्स मत रखिएगा लेकिन मैक्सिमम टाइम इसको कोशिश करिएगा इसको खाली रखने की। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट में जो पानी का खड्डा रहता है ना जमीन के अंदर वाला डेट इज एक्चुअली वेरी गुड। या फाउंटेन बहुत अच्छा होता है अगर आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए जब हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम पानी कैसे लेकर आएंगे यहाँ पे हाउ टू ब्रिंग द वाटर ओवर है उसका सबसे सीधा साधा और सरल तरीका ये है